दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला कुल्लू के सौजन्य से जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन अटल सदन के सभागार में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में जिला कुल्लू से 32 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहने वाले विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिला की लोक संस्कृति पूरी देश दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसे में इस लोक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए इस तरह के कार्यक्रम अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। आज तक का सबसे बेहतरीन जो आप सब प्रशासन कलाकारों की बदौलत गांव के लोग नाट्य दल मेरे सारे सहयोगी जो दिशा कमेटी के मेंबर थे मेरे सारे यहाँ पे लैंग्वेज ऑफिस से लेकर DPRO से लेकर पूरा प्रशासन पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी के आशीर्वाद से हमने इस बारी दशहरा सबसे बेहतरीन दशहरा प्रतियोगिता से जो पहले तीन दल आते हैं उनको हम जो है बाहर भेजते हैं। मैं आपको कहता हूं हम अगले साल से ऐसी विधि बनाएंगे ऐसे जो यहाँ पे देखेंगे जो आप कह रहे हैं कि इस बारी 10-12 दलों ने बहुत बेहतरीन यहाँ परफॉर्मेंस दी ऐसे ढंग से हम करेंगे कि 15 दल अगर वहां से आए हैं तो 15 ही दल का चयन हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करेंगे ताकि विभिन्न देशों में जाकर वो हमारे यहाँ की जो आसरी बोली सा जो आसरा ये पहनावा सा जो आसरे रंग राग सी उन्हें बारे में अपने देश के बारे में रहन सहन खान पान उन्हें बारे में सो आगे मशहूरी के लिए क्योंकि वक्त ये आ गया है कि इको टूरिज्म अगर सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।